अब आप इसकी इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप गर्मियों में यूज़ कर रहे हो तो जाहिर है आपने किसी ना किसी ड्रिंक में यूज़ करना है, या तो आप जो है नींबू पानी के साथ उसमें मिक्स करके ले लें, या फिर आप दूध के साथ दूध में मिक्स करके उसके साथ भी ले सकते हैं। अगर आप सर्दियों में ले रहे हैं तो सर्दियों में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको फ्राई कर लें देसी घी में, तो आप जो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं आप उसके साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे काफ़ी डिफरेंट यूजेस होते हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको ले सकते हैं। प्लस अब बात आ गई कि आपने कितना यूज़ करना है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 1 से 2 टेबल स्पून जो हैं वो इसकी नॉर्मल रेंजेस होती हैं कि आप इस सेफ रेंज में यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पे। इससे ज़्यादा अगर आपको जो है एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं या आपको कोई इशू होता है, रेस्पिरेटरी इशूज़ जो होते हैं खास तौर पे, जैसे कुछ एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ये है कि अगर उनको एलर्जी हो जाए या उनको ब्रीथिंग इशूज़ होते हैं तो उनको थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए इसको इस्तेमाल करते हुए। बाकी जो है आप ये कर सकते हो कि आप ऑल्टरनेटिव डेज पे इसका इस्तेमाल करो ताकि आपको इसके नुकसान जो है ज़्यादा ना मिले और इसके कोई ऐसे बेनिफिट जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते भी नहीं हैं। बस वो पेशेंट्स जिनको अस्थमा का इशू होता है उनको चाहिए कि इसकी जो इस्तेमाल है वो चेक करें कि उनको कोई एलर्जी नहीं हो रही या उनको कोई ब्रीदिंग इशू नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको कोई एलर्जी हो रही है तो वो इसको थोड़ा सा प्रिवेंट करें। और इसके अलावा क्योंकि ये फाइबर्स में ज़्यादा होता है तो आप कोशिश करें कि अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको मज़ीद इससे कोई नुकसान ना हो और फ़ायदे आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा हों।